हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। आज की वीडियो में हम ल्यूसेंट की टॉपिक 9 करने वाले हैं। इसमें हम फेमस साइट्स देखेंगे जो इंडिया के हैं। इसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में, जैसे काफ़ी बार आया है गोल्डन टेंपल कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, एंड इस टॉपिक में उसी टाइप के क्वेश्चंस है कि कौन सी साइट है एंड उनकी लोकेशन कहाँ है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, मस्ट वॉच टिल एंड। अगर आपके पास बुक नहीं है तब तो पक्का देखो, एंड बुक है तो आप अपनी बुक से रीड कर सकते हो, और अगर नहीं पढ़ा अभी तक तो आप देख भी सकते हो उसको। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अजंता। अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी अगर बोला जाए तो औरंगाबाद में है। अजंता क्या है? क्या अजंता केव है? यहाँ पे 29 केव्स मिलते हैं आपको देखने के लिए, और ये 2nd century BCE में बना है। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट का एग्जांपल है। यहाँ पे आपको केव पेंटिंग और स्कल्पचर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज अकबर टॉम। ये कहाँ पे है? आगरा में, यूपी, उत्तर प्रदेश। ओके, अकबर टॉम क्या है? अकबर कौन था? एक मुगल एम्परर था। ये उसकी टूम्ब है, और ये टूम्ब किसने बनवाई थी? उसके बेटे ने। उसके बेटे का नाम था जहांगीर। 1600s के अराउंड बनाई गई थी। ये भी फेमस क्यों है? इसमें ज़्यादातर जो आपको चीज़ें दिखेंगी वो इसलिए फेमस है क्योंकि उनका आर्किटेक्ट बहुत ही अच्छा है। या तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी दिखेंगी जो मंदिर है या मस्जिद है, वैसी चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, साइट्स वही फेमस होते हैं जो बहुत ही सुंदर होते हैं, लोग जहाँ पे विज़िट करने जाते हैं वही फेमस होगा ना, लोग जहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। और आप कोई बेकार सी चीज़ तो देखने नहीं जाओगे। तो ये सारा जो भी इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो सारे का सिग्निफिकेंट क्या है, या तो वो आर्किटेक्ट में बहुत ही अच्छा है, नहीं तो या तो वो मंदिर मस्जिद कुछ इस तरीके का है। ठीक है, अगला है अमरनाथ केव। अमरनाथ केव क्या है? ये एक टेम्पल है। ये हिंदूज का वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट प्लेस माना जाता है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो शिवलिंग हुई थी वो नेचुरली फॉर्म हुई थी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही मतलब सीक्रेट प्लेस माना जाता है, और इसकी जो आपने टीवी में भी देखा होगा अमरनाथ के कपाट खुल गए ऐसे करके न्यूज़ में आता है, क्योंकि ये हमेशा ओपन नहीं रहता, कभी कभी खुलता, और ये कश्मीर में लोकेटेड है, और इसको 5000 साल से भी पुराना माना जाता है। अगला है अंबर पैलेस। ये एक पैलेस है, पैलेस मतलब महल होता है। ये जयपुर राजस्थान में है। राजस्थान में वैसे भी बहुत सारे महलें वगैरह आपने देखा होगा, अभी भी हैं और बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। ये बनाया किसने था? राजा मानसिंह ने स्टार्ट किया था, और सिवाई जय सिंह जो थे उन्होंने इसको कंप्लीट किया था। नेक्स्ट इज आनंद भवन। आनंद भवन इज इन इलाहाबाद, यूपी। ये एक हिस्टोरिकल हाउस म्यूजियम है, मतलब पहले घर था जो बाद में म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया। ये नेहरू फैमिली को बिलोंग करता था। ये आज़ादी से पहले मोतीलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने ये बनवा रखा था। इसको स्वराज भवन भी मेंशन किया जाता है कहीं कहीं पे। ओके, अगला इज भाखड़ा डैम, जो कि है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट इज बिरला प्लानिटोरियम। ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2nd largest प्लानिटोरियम है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, और एशिया का भी। ये विक्टोरिया मेमोरियल के जस्ट बगल में ही सिचुएटेड है। ये अराउंड 1963 में बना था। ठीक है, प्लानिटोरियम क्या होता है? बेसिकली प्लानिटोरियम के अंदर स्पेस साइंस, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, सेलेस्टियल थिंग्स, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। नेक्स्ट है जग मंदिर या लेक गार्डन पैलेस। अगेन ये एक पैलेस है, ये भी उदयपुर राजस्थान में ही है। ये बेसिकली फेमस क्यों है? ये पानी के बीच में बना हुआ है, ये एक आइलैंड टाइप का है, इसीलिए ये फेमस है। नेक्स्ट इज जगन्नाथ टेम्पल। ये पूरी उड़ीसा में है। ये मंदिर बहुत फेमस है, आपने देखा भी होगा, और जो साउथ इंडियन साइट्स हैं उन लोगों ने तो पक्का ये विजिट भी किया होगा। सो ये है अजंता केव, ये अमरनाथ केव है, एंड ये अंबर पैलेस है। नेक्स्ट इज जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में है। अगला है बृहदेश्वर टेम्पल, यह तंजावुर में। तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में। ओके, बिफोर दैट जामा मस्जिद, तो ये रहा जामा मस्जिद। ठीक है, जामा मस्जिद एक मस्जिद है, ऑब्वियसली ये शाहजहां ने बिल्ट किया था। ये मस्जिद बहुत ही फेमस है और वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क माना जाता है इसको। ठीक है, ये मार्बल और लाइमस्टोन से बना हुआ है। नेक्स्ट ये जो टेम्पल है तंजावुर तमिलनाडु में, ये शिव जी की एक टेम्पल है। इस टेम्पल को बिल्ड करवाया था राजा राजेश्वरम ने। ओके, अगला इस वृंदावन गार्डन, ये मैसूर कर्नाटका में है। अगला है बुलंद दरवाज़ा, जो कि फतेहपुर सीकरी यूपी में है। नेक्स्ट वन इस चार मीनार, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है। अगला है चिलिका लेक, ये नियर भुवनेश्वर उड़ीसा में पाया जाता है।
दाल लेक, ये श्रीनगर JNK में पाया जाता है। वाई दिस इज फेमस फॉर, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अगला है दिलवारा टेम्पल जो कि माउंट आबू राजस्थान में है। अगला है एलिफेंटा केव, एलोरा केव, ये सारा मुंबई महाराष्ट्र साइड में है। सो ये बेसिकली केव्स ही हैं जो बुद्धिस्ट जैन मॉन्क्स होते थे। सो ये सारे जो केव्स होते हैं ये बुद्धिस्ट और जैनिज्म से रिलेटेड थे। नेक्स्ट वन इज़ गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। ये बनाया गया था किंग एंड क्वीन की वेलकम करने के लिए इन 1911। कौन से किंग एंड क्वीन? किंग जॉर्ज एंड क्वीन मैरी। ठीक है, ये एक आर्च मॉन्यूमेंट है, आपने देखा होगा, फोटो लगाई थी मैंने, वेट, ये रहा। ठीक है, इस टाइप का एक आर्च मॉन्यूमेंट होता है। सो ये जामा मस्जिद तो हो गया। दिस इज़ लेक गार्डन पैलेस जो मैंने आपको बताया था, आइलैंड टाइप के जगह पे बना हुआ है, चारों साइड से वाटर सराउंडेड है। ये क्या है? बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तंजावुर तमिलनाडु में है। एंड दिस इज़ वॉट? बुलंद दरवाज़ा इन फतेहपुर सीकरी। अगला है एलोरा केव। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट इज़ गोल्डन टेम्पल विच इज़ इन अमृतसर पंजाब। ये है गोल्डन टेम्पल, यहाँ पे तो काफ़ी लोगों ने विज़िट किया होगा। एंड ये सिख कम्युनिटी का एक सीक्रेट प्लेस माना जाता है, इसको श्री हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज़ गोल गंबस जो कि बीजापुर कर्नाटका में है। अगला है हैंगिंग गार्डन, मुंबई में है। हवा महल जो कि जयपुर में है और एक काफ़ी फेमस स्पॉट है। ठीक है, यहाँ पे मतलब विंडोज़ ही हैं काफ़ी सारे, जिसको झरोखा हिंदी में बोला जाता है। ये हिंदू राजपूत किंग सिवाई प्रताप सिंह ने बनाया था। एंड ये और इसलिए फेमस है क्योंकि इसका जो आर्किटेक्ट है वो मुग़ल एंड राजपुताना आर्किटेक्ट दोनों का मिक्सचर टाइप का आर्किटेक्ट इसको माना जाता है। ठीक है, अगला है हावड़ा ब्रिज विच इज़ इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। अगला है माउंट ग्रीनर जो कि एक जैन टेम्पल है जूनागढ़ गुजरात में। नेक्स्ट इज नटराजन टेम्पल जो कि है चिदंबरम तमिलनाडु में। नटराजन किसको बोलते हैं? ये भी लॉर्ड शिवा का ही एक नाम है। ठीक है, आपने नटराज की पेंसिल देखी होगी और उस पर एक ड्राइंग नहीं, क्या बोलूँ, उनका लोगो टाइप का ही है। वो डांसिंग पोज में एक फिगर टाइप की बनी होती है, उसी को नटराज बोलते हैं। नेक्स्ट इज निशांत बाग जो कि श्रीनगर JNK में है। अगला है पद्मनाभा टेम्पल विच इज़ इन तिरुवनंतपुरम, ओके, विच इज़ इन केरला। नेक्स्ट इज़ पालिताना विच इज़ अ जैन टेम्पल, इट इज़ इन भावनगर गुजरात। पंचमहल ये फतेहपुर सीकरी UP में है। पिंकोला लेक ये उदयपुर में है, ये एक आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है, ये है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम, ये एक म्यूज़ियम है जिसको अभी छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय बोला जाता है। ठीक है, पहले इसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम, ये मुंबई में है महाराष्ट्र में। छत्रपति महाराज जी का जो भी आएगा ना, वो सारी चीज़ मुंबई महाराष्ट्र ही रिलेटेड होती है। अगला कुतुब मीनार, ये दिल्ली में, आपको सबको इसके बारे में पता होगा। राजघाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली में है। सो जो राजघाट है ये क्या है? ये एक मेमोरियल है। किसका मेमोरियल है? महात्मा गांधी जी का। उसी तरीके से और भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे या जो हमारी कंट्री को जिन्होंने सर्व किया, उन सब के मेमोरियल्स बनाए हुए हैं। जैसे विजय घाट है, अभय घाट है मोरारजी देसाई का, विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री का, फिर शक्ति स्थल है वो इंदिरा गांधी का है। इस तरह की बहुत सारी प्लेसेस हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, आप उन सभी को एक बार देख लेना। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति भवन, ये भी दिल्ली में है। रेड फोर्ट, ये भी दिल्ली में है। रेड फोर्ट को तो अभी TV में भी आपने कुछ दिनों पहले बहुत देखा होगा, जो 26 जनवरी को हुआ था वहाँ पे, उसके वजह से। ये है राजघाट। अगला है जंतर मंतर, ये न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट इज कैलाश टेम्पल, ये एलोरा महाराष्ट्र में है। देन कन्याकुमारी विच इज़ इन तमिलनाडु। देन कीर्ति जय या विजय स्तंभ, ठीक है, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ या जय स्तंभ, इसको इंग्लिश में बोला जाता है टावर ऑफ फेम या विक्ट्री, ये चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में है। देन लाल बाग बोटानिकल गार्डन, ये बेंगलुरु कर्नाटका में है। लिंगराजा टेम्पल, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। नेक्स्ट इज महाकालेश्वर टेम्पल, ये उज्जैन मध्य प्रदेश में है। अगला है महेशमुख त्रिमूर्ति टेम्पल, महेशमुख ये भगवान का ही है,
त्रिमूर्ति किसको बोला जाता है, जो तीन गॉड होते हैं उनके तीन फेसेस होते हैं, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उनकी मूर्ति है यहाँ पे और इसको महेश मुख टेम्पल बोला जाता है। ये एलिफेंटा केव महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट इज मलाबार हिल, ये मुंबई में है। यहाँ पे टेम्पल, समाधि एंड पिलग्रिमेज सेंटर देखा जाता है। नेक्स्ट इज मान मंदिर पैलेस, अगेन ये पैलेस है, ये है ग्वालियर फोर्ट मध्य प्रदेश में। सो ये एलोरा का है एंड ये पिक है लाल बाग बोटानिकल गार्डन की, ठीक है, यहाँ पे किया ना लाल बाग बोटानिकल गार्डन, तो वो है ये। अगला है मार्बल रॉक, ये जबलपुर एमपी में देखा जाता है। मरियाना बीच, ये चेन्नई तमिलनाडु में है। मीनाक्षी टेम्पल, ये मदुरई तमिलनाडु में है, ये भी काफ़ी फेमस टेम्पल है। अराउंड 2500 ईयर अगो ये बना था, ठीक है। इसको पांड्या किंग, मतलब पांड्या डायनेस्टी के किंग ने बनाया था, उनका नाम था कुलाशेखरा, ठीक है। ये एक हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर है। नेक्स्ट इज सिद्धि सैयक मॉस्क, ये अहमदाबाद गुजरात में है। देन है शालीमार बाग, ये श्रीनगर में है, इसको बनवाया था जहांगीर ने अपनी वाइफ के लिए। उनकी वाइफ कौन थी? नूरजहां। इसको गार्डन ऑफ डिलाइट भी बोला जाता है। अगला है चश्मे शाही, ये भी श्रीनगर जेएनके में है। देन शांति वन, ये दिल्ली में है। स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर, बाहुबली, ये हसन कर्नाटका में। अब देखो इतने सारे करवा दिए, अब सारे आपको याद नहीं करने, आपको खुद देख के पता चल रहा होगा कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, ठीक है। अगला है सन टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट है, ये कोणार्क उड़ीसा में है, ठीक है। ये रही सन टेम्पल की पिक्चर। ओके नेक्स्ट वन इज ताजमहल, ये आगरा उत्तर प्रदेश में है। तो ये रहा ताजमहल, और ये है मीनाक्षी टेम्पल, और ये है शालीमार बाग। नेक्स्ट इज टावर ऑफ साइलेंस, विच इज़ इन मुंबई महाराष्ट्र। देन विक्टोरिया मेमोरियल, ये किसके लिए बनाया था? नाम से ही पता चल रहा है, क्वीन विक्टोरिया जो थी उनका एक मेमोरियल था। ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। देन विक्टोरिया गार्डन, ये मुंबई में है, ठीक है। एंड लास्ट इज विजय घाट, विजय घाट मैंने अभी आपको बताया, विजय घाट किसके लिए बनाया? ये दिल्ली में है। किसके लिए? ये लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन पार्ट। जैसा आपको पता है हर सेशन के बाद मैं आपको तीन क्वेश्चंस देती हूँ, तो आज का आपका क्वेश्चन है आपको फेमस साइट्स बताने हैं। दिल्ली में कौन कौन सी फेमस साइट्स थी, मुंबई में कौन कौन सी फेमस साइट्स थी, एंड कोलकाता में कौन कौन सी फेमस साइट्स थी। ओके जितना अभी हमने इस सेशन में किया आपको उसी में से बताना है। सो आई रियली होप कि सब कोई आंसर करेगा। एंड अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो मस्ट ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हो, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट। आई रियली होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।